हेलो फ्रेंड्स, कल जाएंगे हम गांव यानी कि हनुमानगढ़। हम रहते हैं बालोतरा में, तो आपको दिखाएंगे पूरी जर्नी। ट्रेन से जाएंगे तो बाई ट्रेन से कैसा रहा सफर हमारा, तो ये आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखो, मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, तो मैंने पैकिंग। अपने बाल कटवा लिए हैं। देखिए, मैंने कितने छोटे छोटे करवा लिए थे। पहले मेरे कितने बड़े थे, अब मैंने बस इतने करवा लिए। मेरे को बहुत पसंद आए ये। आपको कैसे लगे? आज मैं मॉर्निंग में उठी 5:30 बजे, तो ये बनाए मैंने गोभी और आलू के परांठे। बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं, ये मैंने ले लिए हैं साथ में, क्योंकि ट्रेन का लंबा सफर है, पूरे दिन का सफर करना है हमें, तो बहुत कुछ चाहिए। बच्चे हैं साथ में, तो पैक कर ली। केर की चटनी और परांठे और दही मैंने पैक कर लिया है, और कुछ कुरकुरे चिप्स थोड़े बहुत थे घर पे मैंने मंगवा के, वो भी पैक कर लिए, और बाकी रास्ते में दिला देंगे बच्चों को। तो ये किया है। सुबह 8 बजे ट्रेन आ गई है, 10 बजे रेलवे स्टेशन पे, और हम बैठ गए हैं अंदर। पहले हम बाड़मेर से आते थे, तो 8 बजे ट्रेन आती थी बाड़मेर में, बालोतरा में 10 बजे आती है, लेकिन हमने सोचा मिस नहीं कर दी, तो हम पहले ही आके बैठ गए रेलवे स्टेशन पे। अंदर सारे सो रहे हैं कोई, तो हमने भी अपनी चादरें लगा ली है। फिर खाना खाएंगे तो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। ये तो बच्चे तो ये खाने लग गए हैं आते ही, च्युइंगम वगैरह, और खेल रहे हैं। इनका पूरा दिन ऐसे ही निकलने वाला है बोरिंग, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, हम तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अच्छा सफर होता है ट्रेन का। तो बीकानेर आ गया है, बीकानेर में हमने ले ली है गुलाब जामुन, वैसे तो रसगुल्ले फेमस है। ये आ रही थी बारिश, बहुत अच्छा मौसम था रास्ते में, पूरे रास्ते हम पहुंच गए हैं रात को 9 बजे, पीलीबंगा उतर गए हैं ट्रेन से। और ये देखो पीलीबंगा का रेलवे स्टेशन। बारिश आ गई थी, ठंडा मौसम हो गया था, काफी इंजॉय किया हमने पूरे सफर को। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ये देखो हम उतर गए हैं 9 बजे। ये है पिंक येलो सिटी यानी कि पीलीबंगा। वहां से हम गाड़ी लेके चल दिए हैं आगे गांव में, वहां से हमारा 1.5 घंटे का सफर और रह गया है आगे, तो हम पहुंचेंगे घर पे तो 11 बजे रात को। खाना तो बना के रखेगी मेरी सास, हमने बोल दिया है भी खाना नहीं बनेगा, फिर पहले ही बना लेना, तो उन्होंने बना लिया है खाना। हम खाना खा के कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और सो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आगे का सफर। तो ये आ गया है रावतसर, और 2-3 गांव और आते हैं बीच में बहुत सारे, तो वो सफर तय करते हुए हम जा रहे हैं हमारे गांव। बस ऐसे ही बारिश आ रही थी और अच्छा मौसम हो रहा था। बहुत बहुत लंबा सफर होता है हमारा, 1.5 दिन का सफर हो जाता है। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक हम पहुंचते हैं, तो इतना लंबा सफर करके हम पहुंचते हैं गांव। आ गया है हमारा ये घर, तो आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो घर आ गया है, बच्चे जा रहे हैं अंदर, कहते हैं दादी कहाँ है, दादी को ढूंढ रहे हैं। ये देखो, ये खोले गेट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।